केंद्रीय विद्यालय ऑनलाइन प्रवेश कक्षा एक आवेदन पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, दिशा निर्देश 2023 से 24। भारत में स्कूलों का सबसे बड़ा समूह केंद्रीय विद्यालय है, जो देश के हर कोने में स्थित है और केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान 1248 स्कूलों, 14,35,562 छात्रों और 44,816 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ चलता है। हर साल सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा एक के लिए प्रवेश प्रक्रिया मार्च के महीने में शुरू होती है। शैक्षणिक वर्ष 2023 से 24 के लिए नए सिरे से प्रवेश फरवरी 2023 के अंत में अधिसूचित किया जाएगा। सभी माता पिता और अभिभावक 2023 में कक्षा एक में प्रवेश के बारे में अधिक जानकारी के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की आधिकारिक वेबसाइट देखेंगे। उससे पहले केंद्रीय विद्यालय में कक्षा एक से 9 और 11 तक में दाखिले के लिए नई गाइडलाइंस जरूर पढ़ लें। केंद्रीय विद्यालय प्रवेश 2023 से 24। केंद्रीय विद्यालय भारतीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार के स्कूलों की एक श्रृंखला है। केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध है। इन स्कूलों के कामकाज की देखरेख भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा की जाती है। केंद्रीय विद्यालय 1963 से शुरू होते हैं, जिसकी शुरुआत सिर्फ 20 स्कूलों से होती है। आज आप भारत में लगभग हर जगह एक केंद्रीय विद्यालय पा सकते हैं, जिससे शिक्षा देश के कोने कोने तक पहुंच सके। दिसंबर 2021 तक कुल 1248 केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, भारत में 1245 और विदेशों में 3। 2021 में भारत के केंद्रीय विद्यालय में लगभग 1.5 लाख छात्र नामांकित हैं। प्रवेश प्रक्रिया, यदि आप देश भर के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का प्रवेश लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा। यदि आपको स्कूल में रिक्ति के लिए कोई विज्ञापन मिलता है, तो आप अपने बच्चे को हमारे साथ आसानी से पंजीकृत कर सकते हैं। आप स्कूल के प्राचार्य के पास पंजीकरण के लिए प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये पंजीकरण फॉर्म निःशुल्क है। हालांकि यदि आप अपने बच्चे को पहली कक्षा में नामांकित करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करना होगा। इसके अतिरिक्त 11वीं कक्षा के लिए बोर्ड के परिणाम घोषित होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती है। आपका प्रवेश आपके 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम पर निर्भर करता है। 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदकों को एक प्रवेश परीक्षा लिखनी होगी। आवश्यक दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आरक्षण मानदंड का प्रमाण यदि लागू हो, सेवा प्रमाण पत्र यदि लागू हो, रक्षा कर्मचारियों के लिए रोजगार का प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण। केवी स्कूल में प्रवेश के लिए आयु सीमा, यहां प्रत्येक कक्षा में एक छात्र की न्यूनतम और अधिकतम आयु की सूची दी गई है। यह सत्र 2023 से 24 के लिए 31 मार्च 2023 तक आवेदन करने की आयु सीमा है। कक्षा 1 6 से 8 वर्ष, कक्षा 2 7 से 9 वर्ष, कक्षा 3 8 से 10 वर्ष पुराना, कक्षा 4 9 से 11 वर्ष, कक्षा 5 10 से 12 साल पुराना, कक्षा 6 11 से 13 साल की उम्र, कक्षा 7 12 से 14 वर्ष, कक्षा 8 13 से 15 वर्ष, कक्षा 9 14 से 16 वर्ष पुराना, कक्षा 10 15 से 18 वर्ष। आरक्षण, पहली कक्षा के छात्रों के लिए आरक्षण सीटों का विवरण है। शिक्षा के अधिकार के लिए 25%, आरती सुप्रीम कोर्ट के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एनसीएल के लिए 27%, इसलिए 40 छात्रों की एक कक्षा के लिए सीटें होंगी। आरती 25%, 10 सीटें सुप्रीम कोर्ट, 15%, 06 सीटें एसटी, 7.5%, 03 सीटें ओबीसी, 27%, 11 सीटें। इसके अतिरिक्त 3% सीटें विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित हैं। लॉटरी, लॉट का ड्रॉप प्रक्रिया, पंजीकरण के बाद प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में निम्नानुसार लॉटरी आयोजित की जाएगी। ए आरती लॉटरी, बी सभी डी लॉटरी, सी श्रेणी 1 डी श्रेणी 2 ESC, एफ एसटी, छ ओबीसी, ज श्रेणी 3, आई श्रेणी 4, जे श्रेणी 5, के श्रेणी 6 यदि लागू हो, एल सिंगल गर्ल चाइल्ड, SGC। लॉटरी परिणाम, लॉटरी का क्रम इस प्रकार होगा। 40 छात्रों की एक कक्षा में से पहली 10 सीटें आरती के प्रावधानों के अनुसार भरी जाएंगी। इस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS, BPL, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, विकलांगों के सभी आवेदनों पर विचार किया जाता है। इसके बाद
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एनसीएल, अनारक्षित के अलग अलग विकलांग उम्मीदवारों की लॉटरी आयोजित की जाती है। शेष सीटें CAT-1 और CAT-2 की मौजूदा प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार भरी जाती हैं। परियोजना IHLKV के मामले में CAT-1 से CAT-3, यदि आरक्षित सीटों में से कोई भी अभी भी खाली है, तो उन्हें प्रवेश की प्राथमिकताओं के क्रम के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, NCL आवेदकों को प्रवेश देकर कवर किया जाता है। यदि आरक्षण के तहत अभी भी कुछ सीटें खाली हैं, तो उन्हें खाली रखा जाना है।